14 फरवरी का दिन। जी हाँ, प्रत्येक भारतीय के मन में 14 फरवरी के प्रति एक विशेष आस्था और श्रद्धा हो गई है। पुलवामा हमले के बाद जिस तरह से भारत के वीर सैनिकों की शहादत को लेकर के आज पूरे देश की आंखें नम हैं, गमगीन हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, मां भारती के अमर लाडलों को, शहीदों को नमन किया जा रहा है। और मैं मौजूद हूँ गुलिया खाप के ऐतिहासिक सोंधी चबूतरे पर, जहाँ पुलवामा में शहीद हुए वीर सैनिकों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जी हाँ, रक्तदान एक ऐसा महादान है जिससे अनेक जिंदगियों को बचाया जा सकता है। और सौंधी और आसपास के युवाओं ने आज सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, नमन करते हुए आज उनकी स्मृति में यह रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। आइए चर्चा कर लेते हैं। सौंधी के सरपंच हैं भाई अशोक गुलिया हमारे साथ हैं। आज का दिन प्रत्येक भारतीय के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज 40 जवान शहीद हुए थे पुलवामा हमले में, और आज उन्हीं की स्मृति में उनको नमन करते हुए आपने यह रक्तदान शिविर आयोजित किया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? संजय भाई, आज का दिन बहुत ही दुखदायी दिन है, क्योंकि 14 फरवरी को ही हमारे 40 जवान अपने भाई शहीद हो गए थे पुलवामा हमले में। तो उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देते हुए हमने ये वर्ल्ड कैंप लगवाया। इसमें हमारे भाई अनिल हैं पेड़पा से, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कल फोन आया था, बोला भाई ऐसे ऐसे कर, माँ भी कर लो, चबूतरे पर करा है। तो बोला भाई ये अपने गुड़िया खाप की बढ़िया जगह है, तो इसमें अब सभी का सहयोग मिला और अच्छा ये किया गया, शहीदों को याद भी किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई। तो इसको सच्ची श्रद्धांजलि यही कहते हैं कि भाइयों ने मिलकर ना, और ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, क्योंकि किसी को भी खून की वजह से जान अपने जवान भाइयों की नहीं जानी चाहिए, शहादत नहीं होनी चाहिए, इसी उसमें उपलक्ष्य में ये लगाया गया। तो ये किस टाइम शुरू हुआ था प्रधान जी? ये भाई 10 बजे शुरू हुआ था, 4 बजे तक ये चलेगा जी। जो भाई भी डोनेट करना चाहे वो आके कर सकता है जी। और देखिए, युवाओं ने पूरी तरह से सच्चे मन से यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य किया है। पुलवामा हमले के शहीदों को यह पुष्प अर्पित किए गए हैं और उनको सच्चे मन से श्रद्धांजलि दी गई है। हमारे साथ भाई अनिल जी हैं, युवा साथी हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। अनिल भाई, आज के इस रक्तदान शिविर के बारे में आप क्या कहेंगे? ये संजय भाई, युवा बच्चों ने, साथियों ने मुझे बताया कि भाई आज एक ऐसा कार्य करेंगे, कुछ शहीदों को याद किया जाएगा। 14 फरवरी जो पुलवामा हमला हुआ था, हमारा देश पे काफ़ी 40 जो जवान हमारे शहीद हो गए थे, उसके उस पर ये किया गया है। और युवा साथियों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया है, और भाई अशोक सरपंच का इसमें बहुत ही बहुत योगदान रहा है, और ये हमने आज इस का कार्यक्रम किया है। जी हाँ, आप देख रहे हैं इस समय यहाँ रक्तदान शिविर के लिए तमाम जो युवा है वो पहुँच रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के साथ पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। सौंधी के चबूतरे पर, गुलिया खाप के ऐतिहासिक चबूतरे पर मैं मौजूद हूँ इस समय यहाँ पर। और जो युवा यहाँ रक्तदान के लिए पहुँच रहे हैं, उनको पहले यहाँ चेकअप किया जा रहा है, विधिवत तरीके से उनकी जाँच की जा रही है, और उसके उपरांत उनको रक्तदान के लिए यहाँ पर प्रेरित भी किया जा रहा है। और तमाम जो युवा साथी हैं पेलपा के, सौंधी के आसपास के गाँव के, वो यहाँ मौजूद हैं। और समय यहां पर जो डिवाइन चैरिटेबल ब्लड सेंटर है DCBC, उसके सौजन्य से यहां पर जो संस्थान है वो यहां पर रक्तदान के लिए पहुंचे हैं। और जो तमाम युवा साथी हैं, जो सौंधी गांव के युवा हैं, वो तमाम यहां पर रक्तदान करते हुए आपको नजर आएंगे। सच्ची श्रद्धांजलि आज दी जा रही है यहां पर पुलवामा में शहीद हुए मां भारती के अमर लाडलों को। जी हां, कुछ रक्तदाताओं से भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? तो आज आप रक्तदान कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? जो हमारे पुलवामा हमले में जो हमारे शहीद जवान, उन्हें हमें गर्व है, हम उनके लिए, उन्होंने हमारे लिए एक एक खून का कतरा बहाया है, तो हम भी एक खून का अपना छोटा हिस्सा उनको देने के लिए याद में अपना मतलब रक्तदान कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और देखिए तमाम जो युवा साथी हैं, आपका क्या नाम है भाई साहब? तो आज आप रक्तदान कर रहे हो, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा जी। और देखिए जो युवा साथी हैं वो यहाँ पर रक्तदान के लिए बारी बारी पहुँच रहे हैं। इस समय सौंधी में मैं मौजूद हूँ, लगातार यहाँ पर रक्तदान के लिए युवा आ रहे हैं, उनसे ही बात करेंगे। आपका क्या नाम है भाई साहब? नमस्कार जी। जी, सब वेरी गुड।
बहुत बढ़िया। तो देखिए युवाओं में जज्बा है, जोश है, तो प्रॉपर चल रहा है भाई साहब? हाँ जी सर। तो अभी तक कितना यूनिट एकत्रित हुआ है? अभी शुरुआत हुई है, अभी तो अभी 15 करीब हो चुके हैं। 15 करीब हो चुका है और अभी तक ये शुरुआत हुई है। अभी 15 यूनिट के लगभग रक्त एकत्रित किया जा चुका है और जो तमाम लोग यहाँ रक्तदान के लिए पहुँच रहे हैं, आप देख सकते हैं गुलिया खाप सोदी के चबूतरे पर इस समय यहाँ पर तमाम युवा साथी धीरे धीरे पहुँचना शुरू हो गए हैं और रक्तदान के लिए जो तमाम जो तैयारियां है वो पूर्ण है। रक्तदान शुरू हो चुका है, नमन किया गया है यहाँ पर पुलवामा के वीर शहीदों को, जो पुष्प अर्पित करके नमन किया गया है। और कुछ और साथियों से भी हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है भाई साहब? तो आपने भी रक्तदान किया है? अभी आप पहुँचे हैं, तो क्या कहेंगे आज के इस आयोजन के बारे में? ये देखो, ये जो हमारे 14 फरवरी को पुलवामा हमला हुआ था, बहुत ही दुखदायी दिन था उसका, और उन्हीं की याद में, शहीदों की याद में हमारे भाई सारे सहयोग से, पूरे भाई अनिल भाई, बसो सरपंच भाई साहब, सबके सहयोग से आज ये किया गया है और ये कदम बढ़िया है और हम उनके जो शहीद हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं जी। और चलिए एक बार फिर से मैं अशोक प्रधान जी से जुड़ना चाहूँगा, उनसे बात करेंगे। तो सर, कोई बड़ा अच्छा आपका निर्णय है, आपने यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की है, अपने साथी जो अनिल भाई हैं या तमाम जो इनके साथी यहाँ पहुँचे हुए हैं, उन सबके सहयोग से, अंत में आप आज के इस दिन के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मैं संजय भाई यही कहना चाहूँगा, हमारे देश के लिए हमारे युवा आज भी इतने मतलब के बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं हर चीज़ में, तो इसी बात को देखते हुए हम ये कहते हैं कि हमारे देश के जवान आज भी अपने देश से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं और करते रहना चाहिए, क्योंकि तभी अब कोई भी देश युवाओं से ही चलता है। तो युवा जिस देश के मजबूत होंगे, जागरूक होंगे, वो तो इस देश जल्दी तरक्की करेगा। जी हाँ, आपने देखा कि भारत का युवा इस समय जो संकट की घड़ी होती है या इस तरह के अवसर होते हैं, बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, चाहे रक्तदान शिविर की बात करें या जवानों को, शहीदों को नमन या श्रद्धांजलि के कार्यक्रम हो, जगह जगह आयोजित किए जाते हैं, नमन किया जाता है उन अमर शहीदों को जिन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए हैं। जी हाँ, सोंधी के चबूतरे से यह रक्तदान शिविर एक प्रयास है उन शहीदों की आत्माओं को नमन करने के लिए और उन लोगों के लिए रक्त उपलब्ध कराने के लिए जिनको रक्त की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है।